कि संस्थागत निवेशक क्या कर रहे हैं बाजार में, उसके बाद भारतीय बाजारों में क्या करना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। कैश मार्केट में एफआईआई की बिकवाली का आंकड़ा है, शुक्रवार को बिकवाली करके गए थे, हालांकि बाजार काफी पॉजिटिव था। शुक्रवार को आपको याद होगा आरबीआई की पॉलिसी भी आई थी, स्टेटस को मेंटेन था, दिन भर उतार चढ़ाव रहा लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग हमने देखी बाजारों की। डीआईआई ने भी नेट नेट बिकवाली करके गए लेकिन जो आंकड़ा है वो काफी छोटा है, 17 करोड़ का आंकड़ा है। एफआईआई ने अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो 163 करोड़ की खरीदारी करके गए, वहीं इंडेक्स ऑप्शन में करीब 3,105 करोड़ की खरीदारी एफआईआई की तरफ से देखने को मिली है। तो यहां पर भी आंकड़ा काफी सुस्त नजर आ रहा है, इतना कुछ बड़ा यहां पर फिगर्स निकल कर नहीं आ रहे। अब भारतीय बाजारों का भी ट्रेड सेटअप आपको बता देते हैं, उसके बाद रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। शुक्रवार को तो काफी पॉजिटिव क्लोजिंग थी, निफ्टी 144 अंक ऊपर बंद हुआ था, सेंसेक्स में भी करीब 412 अंकों की मजबूती थी और बैंक निफ्टी में भी अगर बात करेंगे तो 190 अंकों की मजबूती वहां पर भी देखने को मिली थी। लेकिन आज ये जो पूरा वीक है इसमें ध्यान रखिएगा, अब हम अर्निंग सीजन में भी एंट्री करने जा रहे हैं तो उसले और सबसे ज्यादा जो नतीजे हैं वो आईटी शेयरों में देखने को मिलेंगे, तो उसके लिहाज से भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, भारतीय बाजारों के लिए ट्रिगर है। और ये जो पूरा हफ्ता है एक छोटा कारोबारी हफ्ता भी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसके बाद 13 तारीख के बाद 14, 15, 16 एक लॉन्ग वीकेंड आने वाला है, 14 तारीख को भी छुट्टी है, 15 को गुड फ्राइडे के मौके पर छुट्टी है, तो ये जो कारोबारी हफ्ता है वो भी काफी छोटा है, तो उस लिहाज से भी ज्यादा पोजीशन, किस तरह की पोजीशन यहाँ पर लेनी चाहिए ये भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी शुरुआती सेटअप जो हम देख रहे हैं वो काफ़ी मिले जुले संकेत इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कुछ ही देर में मार्केट फोनों भी हम मार्केट के एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए भारतीय बाजार पर। इनफैक्ट वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के क्षितिज गांधी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्षितिज गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आईटीना स्वदेश को समय देने के लिए। इस हफ्ते के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या क्योंकि काफ़ी छोटा कारोबारी सत्र है एंड ऑल्सो हम अर्निंग सीजन में भी एंट्री लेने जा रहे हैं, आज TCS के नंबर्स भी आने वाले हैं, तो उस लिहाज से बाजारों पर क्या व्यू बन रहा है आपका शुक्रवार की क्लोजिंग के बाद, अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद आगे के लिए चाल कैसी दिख रही है आपको? जी वेरी गुड मॉर्निंग पूजा, वेरी गुड मॉर्निंग टू आवर व्यूअर्स एज वेल। देखिए पूजा, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही दर्शाया, हम लोग यहाँ पे एक अर्निंग सीजन की तरफ मूव कर रहे हैं और जैसे कि आपने पहले भी दर्शाया कि काफी छोटा कारोबारी हफ्ता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आने वाले डेज में थर्सडे और फ्राइडे को स्टॉक मार्केट्स बंद रहेंगे, तो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे हमारे पास 3 ही सेशन है ट्रेडिंग करने के लिए। अब देखने वाली बात यह है कि देखिए शुक्रवार को आरबीआई पॉलिसी आने के बाद जिस तरीके से भारतीय बाजारों ने उसके ऊपर रिएक्ट किया, एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली, दोनों ही इंडेक्स अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी पॉजिटिव जोन में बंद होते दिखाई दिए। अब देखने वाली बात यह है कि अब कमिंग 3 सेशंस में देखिए ऐसे कोई बड़े ट्रिगर अभी हमें खास देखने को नहीं मिले अदर देन बड़ी आईटी कंपनीज की तरफ से जो रिजल्ट आने वाले हैं, TCS की तरफ से, इंफोसिस की तरफ से, तो वो एक ट्रिगर हम लोग मान के चल सकते हैं। लेवल्स वाइज देखिए अगर हम लोग बात करें तो 17,785 के लगभग निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें एक अपकमिंग सेशन के लिए 17,850 से 17,950 का जो जोन है हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और डाउनसाइड की अगर हम लोग बात करें निफ्टी में तो 17,750 से 17,600 का जो दायरा रहेगा ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसी तरफ अगर हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ देखें, बैंक निफ्टी ने लगभग 37,750 के लगभग क्लोजिंग दिया फ्राइडे के सेशन में, अब यहाँ रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 38,000 से 38,200 के जोन में और सपोर्ट जो काम करेगा 37,500 से 37,300 के जोन में। देखिए कोई बहुत बड़ा मूव हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं निफ्टी में, और जैसे कि पहले भी दर्शाया कि सिर्फ 3 ही ट्रेडिंग सेशन है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स जो है वो ऑप्शन के प्रीमियम कैप्चर करने की पूरी चेष्टा करेंगे, तो मोटा मोटा मार्केट को एक जोन में या एक दायरे में ही हम लोग ट्रेड होता है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग देखिए डेरिवेटिव डेटा की तरफ भी देखें तो 17,800 के स्ट्राइक पे कॉल और पुट राइटर दोनों ही एक्टिव हमें यहाँ पे दिखाई दी, दोनों ही ऑप्शंस पे कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस में अच्छा ओपन इंटरेस्ट ऐड होता दिखाई दिया, जहाँ पे हम लोग अगर कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 79 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग डेरिवेटिव डेटा और टेक्निकल सेटअप दोनों को मिला जुला के कंक्लूजन निकाले तो वही देखने को मिलता है कि आने वाले 2 से 3 सत्रों में हम लोग दायरे में ही कारोबार होता दिखाई देगा बाजारों में, और स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स ही हमें देखने को मिलेंगे। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक मूव ही देखने को मिलेगी और जो 2-3 दिन का कारोबार है वो काफी दायरे में यहाँ पर देखने को मिल सकता है डेरिवेटिव डेटा की मदद से भी हमने आपको
को समझाया। निफ्टी के लिए जो की सपोर्ट है वो 17,750 से 17,600 और ऊपर की इस तरफ जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 17,850 से 17,950 के बीच दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी भी ऐसे ही दायरे के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। उसका भी ऊपर का जो तरफ जो लेवल्स आ रहे हैं वो 38,000 से 38,200 की तरफ आ रहे हैं। आपने स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात की क्षितिज, आपकी नज़र कहाँ होगी स्टॉक रिकमेंडेशन आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने दर्शाया कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फ्राइडे के सेशन में अगर हम लोग बात करें तो क्लोजिंग आर में लास्ट वन आर में हम लोगों ने देखा कि सीमेंट काउंटर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी और कहीं ना कहीं हमें सीमेंट काउंटर में अच्छे बाइंग के सौदे आते दिखाई दिए थे। तो आज के सेशन में जो हमें लगता है कि यहाँ पे सीमेंट काउंटर में एक अच्छा मूव, एक मोमेंटम प्ले देखने को मिल सकता है आज के सेशन में और आने वाले दो सेशन में इस हफ्ते में। तो जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा था कि इंडिया सीमेंट की अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप की बात करें तो स्टॉक ने लगभग 225 रुपए के लगभग क्लोजिंग दिए, और यहाँ पे 3 से 4 दिन की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक अच्छा अपमूव देखने को मिला है। अपना जो अहम रेजिस्टेंस लेवल था 225 का, 225 का, उसके ऊपर क्लोज होता दिखाई दिया। तो मुझे लगता है यहाँ पे मोमेंटम प्ले इंडिया सीमेंट के अंदर हम लोग प्ले कर सकते हैं। बायोडिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहेगी, स्टॉक में यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करने की जरूरत है 218 रुपए के नीचे, और अपसाइड पोटेंशियल मुझे लगता है 237 की तरफ यहाँ पे इंडिया सीमेंट बहुत ही जल्दी मूव होता दिखाई दे सकता है। दूसरा स्टॉक जो रहेगा देखिए वो भी सीमेंट काउंटर में से ही रहेगा, स्टॉक रहेगा एसीसी का। एसीसी की अगर देखिए टेक्निकल सेटअप की बात करें तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड के थ्रू निकल रहा है। पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट डेवलप किया है 2100 के लेवल के आसपास, और यहाँ पे अब डेली चार्ट के ऊपर अपने 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट आता दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है एसीसी के अंदर भी एक मोमेंटम प्ले हम लोग बाय स्ट्रेटेजी की तरह यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 2120 रुपए के नीचे। अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे स्टॉक पे 2250 तक काम आते दिखाई दे रहे हैं। दो स्टॉक रहेंगे, इंडिया सीमेंट और एसीसी। क्षितिज बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सीमेंट स्पेस पर फोकस है क्षितिज का, इंडिया सीमेंट पर खरीदारी करिए 237 के लेवल्स के लिए, और एसीसी भी यहाँ पर अच्छा लग रहा है, टारगेट होगा 2250 का, स्टॉप लॉस 2120 का। कुछ और भी ट्रेडिंग कॉल्स आ रहे हैं हमें, और ज़्यादातर आज जो व्यू है वो मिड कैप स्पेस पर ज़्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्मल बैंक की तरफ से मिर्जा इंटरनेशनल है उनका पहला बाई कॉल, स्टॉप लॉस होगा 184 का, टारगेट होगा 204 का, यहाँ पर नज़र कि इसके बाद है नौसिल, यहां पर भी खरीदारी करने की राय है 235 का स्टॉप लॉस, टारगेट होगा 250 का। इसके अलावा 5 पैसा से जो हमें व्यूज आ रहे हैं यहां पर पिरामिड एंटरप्राइजेस, यहां पर भी खरीदारी करने की राय है 2430 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 2270 का। और जो दूसरा कॉल है वो है डिक्सन टेक पर, यहां पर 4730 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 4340 का। 6 कॉल्स दिया है, 6 कॉल्स में ही आपको खरीदारी करने की राय आज निकल कर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये जैसा कि हम बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि अब अर्निंग सीजन में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, चौथी तिमाही के नतीजे शुरू हो जाएंगे आना, और ऐसे में सबसे पहले जो नतीजे आते हैं वो आईटी स्पेस से आते हैं, और इसमें सबसे पहले आईटी स्पेस की दिग्गज कंपनी टीसीएस के नंबर्स आज आने वाले हैं। क्या अनुमान है टीसीएस के नतीजों से ये भी समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो याद रखिए जो सीजनली वीक क्वार्टर होता है आईटी कंपनीज के, लेकिन अब यहाँ पे टीसीएस के बारे में बात करें तो डॉलर रेवेन्यू में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2% का ग्रोथ देखने मिल सकता है। हालांकि जो मार्जिनस है वो जो है सपाट रहने वाले, लगभग 25% का जो है आंकड़ा है जो उस पर फोकस किया जाएगा, पैट पे लगभग 1% का ग्रोथ देखने का अनुमान रहेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात होती है जो कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ, वो यहाँ पे लगभग 2.5% तिमाही दर तिमाही का एक्सपेक्टेशंस रहेगा। हालांकि हेडविंड ज़रूर रहेंगे क्योंकि मार्जिनस में प्रेशर रहेगा क्योंकि वेज हाइक जो है वो जारी है। उसके अलावा जो यूरोप के क्लाइंट्स हैं वहाँ पे थोड़ी रैम्प डाउन ज़रूर देखने मिल सकती है, तो उसके कारण थोड़ी इम्पैक्ट पड़ सकती है। लेकिन याद रखिए जो हायर सप्लाई का साइड के कॉस्ट है उस वो जो है ओवर पावर करेगी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। डील के हिसाब से बोले तो आप डिजिटाइजेशन ले लीजिए, क्लाउड अडॉप्शन ले लीजिए, इनके कारण जो है डील साइज़ लगभग $8 बिलियन का रहेगा। तो डील में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्जिन्स में थोड़ी दबाव देखने मिल सकती है। लेकिन आगे जाते हुए जो इंपॉर्टेंट बात होगी जो मैनेजमेंट में देखनी है, वो सबसे पहला होगा कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस का क्या इम्पैक्ट हुआ है स्पेशली उनके यूरोपियन क्लाइंट्स का। इसके अलावा जो उनका जो स्टेटमेंट था गाइडेंस का 26 से 28% एबिट का, क्या वो मेंटेन कर पाएंगे कि कोई जो है अपडेट चेंज होने वाली है मार्जिन गाइडेंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी। और ऑफ कोर्स FY23 के जो ओवरऑल आउटलुक क्या है, एट्रिशंस क्या है, इस पे भी फोकस रहने वाला है। तो सारा आईटी सेक्टर का जो है नज़र जो है टीसीएस के नतीजे पे रहेगा आज।
बिल्कुल, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स आने वाले हैं और कमेंट्री किस तरह की आती है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना टीसीएस के नतीजों में। शायद इसके अलावा बताइए और कौन कौन से नतीजे आने वाले हैं और इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स आज के लिए कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, अब फोकस में रहेगा तो आप चौथे तिमाही के जो आंकड़े के बात करें तो GTPL हाथवे के नंबर्स ऑलरेडी आए, हालांकि नंबर्स सपाट आए हैं, रेवेन्यू में भी सपाट आया है, एबिटडा में लगभग 2% का गिरावट देखने मिला और ये आंकड़े जो है आपके EPC बिजनेस के अलावा है। अब जो बात करते हैं इम्पॉर्टेंट खबर जो है रुचि सोया, यहाँ पे कंपनी का एक अनाउंसमेंट आया है कि कंपनी जो है सिनर्जीज कर सकते हैं पतंजलि की फूड बिजनेस के साथ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा स्टॉक के लिए। इसके अलावा अनाउंसमेंट कंपनी का आया है कि पूरे जो उनके जो डेट है पूरी कर्ज जो है उन्होंने पे ऑफ कर दी है, ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का कर्ज था जो SBI और SBI की कंसोर्टियम बैंक्स के ऊपर थे। एस्कॉट्स में भी एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट आया है शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट पे, आप राकेश झुंझुनवाला जी जो फरवरी 18 को लगभग 5.5% से ज़्यादा स्टेक रखते थे कंपनी में, अब जो है उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में उनका नाम नहीं आया है, उनका हो सकता है कि वो पूरे स्टेक बेच दिए हो या 1% स्टेक के नीचे उनका स्टेक हो, तो ये याद रखिए। और हाल ही में क्यूबोटा के ओपन ऑफर आई थी जहाँ पे 14 मार्च से 28 मार्च तक ओपन ऑफर चला था और उसका जो प्राइस था वो लगभग 2,000 रुपये प्रति शेयर था, तो एस्कॉर्ट्स फोकस में रहेगा। टाटा मोटर्स भी जो है फोकस में है, यहाँ पे चौथे तिमाही के JLR के नंबर आए हैं और रिटेल आंकड़े जो है वहाँ पे लगभग 36% का डाउनटेक देखने मिला, लेकिन एक पॉजिटिव कमेंट्री जो है कंपनी से आई है। सबसे पहला है कि जो डिमांड ट्रेंड है वो स्ट्रांग है, सेमीकंडक्टर के इश्यूज जो है थोड़े से जो है सिंपल हो रहे हैं, सिंप्लीफाई हो रहे हैं, लेकिन जो बुकिंग्स है वो रिकॉर्ड 168,000 यूनिट्स पे है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। और ये इसके अलावा शॉपर्स स्टॉप फोकस में रहेगा, यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 20% स्टेक और उन्होंने जो है क्रॉसवर्ड बुक स्टोर्स है वहाँ पे बेच दिए हैं, अब करंटली उनका स्टेक 50% से गिर के ऑलमोस्ट 29.5% हो गया है। कैमलिन फाइन साइंसेज भी फोकस में रहने वाला है, यहाँ पे कंपनी की जो दहेज प्लांट है यहाँ पे अप्रैल 10 से मई 10 तक जो है आप कह सकते हैं कि कंपनी की शट रहने वाली है मेंटेनेंस के लिए, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। अब कुछ बड़े डील्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो बंधन बैंक में जो था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में HDFC ने ज़रूर सेल किया था, लेकिन बायर कौन था? बायर था सोसाइट जनरल, फ्रांस की कंपनी है, वो लगभग 2 करोड़ शेयर्स जो है उन्होंने एक्वायर किया था। और बंधन बैंक के अलावा आप केयर रेटिंग्स में निपोन इंडिया ने भी जो है ऑलमोस्ट 1.74% स्टेक बढ़ाया है, अब वो लगभग 5 लाख शेयर्स का एक्विजिशन हुआ। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात है RK दमानी जी का जो इन्वेस्टर्स में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस आए, तो VST इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने लगभग 12,000 शेयर्स जो है ऐड किए, उनका स्टेक भी है बढ़ के 32.34% हुआ। और उसी जगह ब्लू डार्ट एक्सप्रेस में उन्होंने स्टेक घटाया, 17,000 शेयर्स जो है कि बिकवाली हुई मार्च के तिमाही में और उनका स्टेक जो है अब 1.4% स्टेक है। ओके, थैंक यू शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो काफ़ी सारे फंड एक्शन भी हुए हैं इस बीच, VST इंडस्ट्रीज देखिए, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस देखिए, उसमें RK दमानी ने कुछ शेयर्स में खरीदारी और बिकवाली की है तो यहाँ पर नजर रहेगी। इसके अलावा केयर रेटिंग्स में निपॉन इंडिया ने 1.74% की हिस्सेदारी खरीदी है, बंधन बैंक में भी HDFC ने कुछ हिस्सेदारी बेची अपनी 3.08% की। तो काफ़ी सारे फंड एक्शन हुए हैं इस वीक के दौरान, तो यहाँ पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक और डिटेल दे देते हैं, आज TCS के अलावा और कौन से अहम नतीजे आएंगे वो भी आपको बता देते हैं। FNO से डेल्टा कॉप और केसोराम इंडस्ट्रीज यहां पर भी नजर रहेगी और इसके अलावा रोल्टा और लासा सुपर जेनरिक्स के भी नतीजे आज आने वाले हैं, तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जहां पर कि आज फोकस रहेगा और इसकी वजह से आज इन शेयरों में कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं। ख्याति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। ख्याति गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग, शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स के साथ। JP Morgan ने इसमें ओवरवेट किराया दिया है और लक्ष्य रखा है 515 रुपये का। इवन दो लग्जरी वॉल्यूम सेल्स काफ़ी इंप्रूव हो रही है लेकिन ग्रोथ थोड़ी स्लो है। फिर देखते हैं क्रेडिट स्विस ने NBFCs पे एक रिपोर्ट दिया है जिसके हिसाब से सभी NBFCs में लोन ग्रोथ हो रही है और एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रहा है। फंडिंग कॉस्ट के बढ़ने के पर भी NIMs भी वाइडन हो रहे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा NBFCs को छोला पसंद है जिसमें 20% से ज़्यादा ROEs है और कंपनी एंट्री कर रही है नई बिजनेस में भी। फिर देखते हैं CLSA ने डिफेंस सेक्टर पे एक रिपोर्ट दिया है जिसके हिसाब से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में टारगेट अपग्रेड करके 282 रुपीज़ किया है।
पावरफुल सिग्नल है मेक इन इंडिया के लिए, और गवर्नमेंट ने थर्ड इम्पोर्ट बैन लिस्ट भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से सभी कंपनीज को फ़ायदा मिल सकता है। फिर देखते हैं, बुफा सिक्योरिटीज़ ने सफ़ाया फूड को डाउनग्रेड करके न्यूट्रल राय दिया है। लक्ष्य रखा है 1520 रुपये का। मेन कारण ये है कि श्रीलंका में जो फॉलआउट आया है, इसके वजह से डाउनग्रेड किया है। आखिरी में देखते हैं, गोल्डमन सैक्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की राय रखा है। लक्ष्य रखा है 3200 रुपीज़ का। कंपनी एनर्जी ट्रांजिशन के थ्रू के फेस में जा रही है, और इसमें अर्निंग ग्रोथ में काफ़ी मजबूत एक्सपेक्टेशन है। 35% CAGR FY21-24 में एक्सपेक्टेशन है। ओके ख्याति, थैंक यू सो मच ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो सफायर फूड पर डाउनग्रेड आया है, श्रीलंका पर कुछ एक्सपोजर है, वहाँ पर आर्थिक संकट चल रहा है, उसका असर कंपनी पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रिलायंस, BEL, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर हैं, तो यहाँ पर आज हमारा फोकस रहेगा। चलिए, तो बात हुई इक्विटी मार्केट की, लेकिन कमोडिटी मार्केट आज के लिए कैसा लग रहा है, नज़र कहाँ रखें, ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त रवि द्योरा जी मौजूद हैं फोन लाइन के जरिए। रवि, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच इजी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग, डेफिनेटली आज का दिन कमोडिटी मार्केट में वैसे देखे तो डेटा ड्रिवन ये वीक काफी इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये वीक ट्रंकेटेड है, मींस के जिस वीक में चार ही कमोडिटी के सेशन है और एक उसमें हाफ सेशन है, तो काफी वॉलिटिलिटी रहेगी बिफोर द जो वीकेंड लंबा होगा उसके ऊपर। बट यस, आज ज्यादातर मार्केट का फोकस एनर्जी पैक पे होगा, क्योंकि EU आज मिलने वाला है, जो क्रूड ऑयल पे सैंक्शन डाले थे ये एक डिसीजन के लिए। बट अभी जो प्रिलिमिनरी लग रहा है कि जो अभी तक के डेवलपमेंट है, अकॉर्डिंग टू डेट क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट पे बैन लगाना शायद अभी उसके लिए पॉसिबिलिटीज काफी कम है। और सेकंड देखे तो चाइना के जो मैक्रो है उसमें भी इन्फ्लेशन के कंसर्न फिर भी ऊपर के आए, एंड इन्फ्लेशन अपने एक्सपेक्टेशन से काफी हायर है। तो अगर चाइना कुछ ऐसे एक्शन होते हैं सेंट्रल बैंक से या पॉलिसी एक्शन होते हैं कि इन्फ्लेशन को प्रिवेल करे, तो वैसे भी चाइना कोविड के हिसाब से वहां पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में थोड़ा डिग्रोथ देखने को मिला है, तो पर्टिकुलरली एक थोड़ा कंसर्न है। साथ में डॉलर इंडेक्स अपने 2 साल के हाई पे है, बॉन्ड यील्ड अपने 3 साल के हाई पे है, तो शायद इसका प्रभाव थोड़ा नेगेटिव कमोडिटी मार्केट पे देखने को मिलेगा। बेस मेटल एज वेल एज क्रूड में मेरी सेलिंग की सलाह है। बेस मेटल में कॉपर जहाँ पे 722 के करीब शॉर्ट करके चले, 710 का टारगेट रहेगा अप्रैल फ्यूचर का, 728 का स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि चाइना के फंडामेंटल का जो प्रभाव कोई एक बेस मेटल पे पड़ता है तो ज्यादातर उसमें कॉपर का अच्छा कोरिलेशन है। सेकंड क्रूड में भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छा उछाल था, यहाँ से एक मुनाफा वसूली का प्रेशर आपको क्रूड में भी देखने को मिल सकता है। 7250 के टारगेट के लिए क्रूड के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट को सेल करें, 7480 का एक स्टॉप लॉस लगाए। तो लग रहा है कि आज मेटल एंड एनर्जी में पर्टिकुलर क्रूड में आज थोड़ा सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर ज्यादा गैप डाउन खुले तो आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 7200 का टारगेट आप रिवाइज कर सकते हैं अगर गैप डाउन खुलता है, तो मुझे लग रहा है कि ये आपसे थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि सारी डिटेल्स देने के लिए। तो कमोडिटी मार्केट में थोड़ा दबाव दिखना शुरू हुआ है, कच्चे तेल में भी गिरावट आ रही है, $100 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए, MCX पर 7250 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मेटल में भी कमजोरी दिखना शुरू हुई है, कॉपर में बिकवाली करके चलिए 810 के स्तर के लिए।